हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वाद और सेहत से भरपूर मीठी रेसिपी। मीठी रेसिपी वो भी विदाउट शुगर और गुड़ के। इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें हमें लगेंगे खजूर, लगभग लगभग 500 ग्राम है। हमने इसके सीड निकाल दिए हैं और इससे देखिए सीड निकाल के हमने ऐसे इसको रख लिया है। और इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा काजू लगभग 1 कटोरी, चिरौंजी 1 कटोरी, किशमिश 1 कटोरी, पिस्ता 1 कटोरी, बादाम 1 कटोरी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा खसखस लगभग 1/4 कटोरी और 2 टेबलस्पून देसी घी। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक ग्राइंडर लेना है, ग्राइंडर जार लेना है और उसमें डालना है बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, काजू। अब हम इसको लेकर के बस एक दो बार चला करके मोटा दरदरा, बहुत बस एक दो बार की खड़े रहें आधे पीसे रहें वैसा हमें अभी ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लगभग लगभग इसको दरदरा पीस लिया है। थोड़ा इसमें आधे खड़े हैं आधे पिसे हैं, हमें ऐसे ही चाहिए, ऐसा ही हमें चाहिए। थोड़े पिसे रहें थोड़े खड़े रहें, आधा टूटा रहे, ऐसे ही चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे खजूर हैं अब हम इसको डाल लेंगे ग्राइंडर जार में। दोस्तों हम इसको डाल के इसमें खूब महीन इसको हमें पीस लेना है। इसको क्या पीसने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है, तो आप ये पानी तो एकदम नहीं डालना है इसमें, तो इसको हमें थोड़ा चम्मच से चला चला के थोड़ी देर देर पे इसको अच्छे से पीस लेना है। इसको थोड़ा पीसने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि ये स्टिकी होता है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डेट्स और नट्स लड्डू के लिए ये हमारे डेट अच्छे से पीस चुके हैं। ये हमारे लड्डू डेट और नट के बहुत ही यमी बनने वाले हैं। चलिए अब हम इसका दूसरा स्टेप करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब हमने पैन चढ़ा दिया गैस पे। अब इस पे हम अपने जो खसखस है पोस्ते का दाना पॉपी सीड्स, इसको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। लगभग लगभग इसको ज़्यादा नहीं ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी ही जलने लगता है, तो बस हल्का सा इसको थोड़ा सा हमें ड्राई रोस्ट करके निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने जो मेवे दरदरे पीसे थे उसको भी हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बस धीमी आंच पे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है। अब हम इसको भी अपने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर हम ये पैन चढ़ा देंगे। और इसी पैन में अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादातर ये ड्राई फ्रूट्स अपने ड्राई रोस्ट किए हैं। शुगर, गुड़, जैगरी कुछ भी इसमें नहीं पड़ा है। ये जो मिठास आएगी ये सिर्फ और सिर्फ डेट से आएगी और ये सुपर हेल्दी है। इसमें देख रहे हैं आप कितने सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा लड्डू बनने वाला है, सेहत से भरपूर लड्डू। अब हम इसको घी डाल के ये डेट्स को 2 मिनट के लिए अच्छे से, जैसे ही ये गर्म होता जाएगा, फिर हम गैस धीमी कर लेंगे, जैसे ही ये डेट्स गर्म होता जाएगा वैसे ही वैसे ये
गलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा नरम होता जाएगा। डेट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत चिपकते हैं, तो इसीलिए हमें धीरे धीरे इसको करना है। अब लगभग लगभग 2 मिनट हम इसको ऐसे ही गैस पे पका लेंगे। ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, लगभग लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे डेट्स कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। ये काफ़ी स्टिकी रहता है तो इसको हमें लगभग 2 चम्मच से ऐसे ऐसे करके निकाल निकाल के तब चलाना पड़ता है, ये काफ़ी स्टिकी होता है। ये देखिए 2 मिनट के बाद ये कैसे नरम हो गए हैं, डेट्स हमारे एकदम नरम हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम ये जो हमने अपने नट्स ड्राई रोस्ट किए थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों अभी आप यही मिठाई अगर मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको लगभग 1000 या 2000 रुपीस पर केजी पड़ेगी, और उसको भी आपका पता नहीं है कि वो कितनी हेल्दी है, कैसे बनी है। ये देखिए कैसे झटपट हमारे ड्राई फ्रूट के लड्डू तैयार होने वाले हैं घर पे बैठे बैठे। ये देखिए किशमिश भी अब इस स्टेज पे हमने डाल दी है। अब इसको हमें अच्छे से फ्रेंड्स मिला लेना है, बहुत ही अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया है, ये देखिए हमारा कितने अच्छे से मिक्स हो गया है डेट्स के साथ नट्स। अब इस स्टेज पे हम ये अपने कार्डमम पाउडर डाल देंगे। देखिए ये अच्छे से मिल गया है, ये हमारा एकदम अच्छे से ये दोनों मिक्स हो गया है एक दूसरे के साथ। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसके हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। बस हम इसको 1 मिनट के लिए, लेकिन ये एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए नहीं तो ये अच्छे से बन नहीं पाएगा। बस इसको 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुका है और हम इसके लड्डू आराम से बना सकते हैं। हम अपने हाथ को थोड़ा सा अपने हाथ में देसी घी लगा के हाथ को ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हम जो साइज़ आपको पसंद है उसके लड्डू बना लेंगे। देख रहे हैं ये लड्डू कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब ये जो खसखस हमने लिया था रोस्ट करके, इस लड्डू को इसमें हमें ऐसे डिप कर देना है, फिर इसको ये देखिए ऐसे रखते जाते हैं। ऐसे करके और इस ये खसखस में हमको इसको डिप कर लेना है। देखिए अब कुछ लड्डू हम ऐसे भी आपको बना के दिखा देते हैं विदाउट खसखस के, कुछ लोगों को खसखस का अगर ना पसंद हो। ये देखिए ये हमने इधर रखे, ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम अपने सारे लड्डू अभी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये सारे लड्डू बना के रख लिए हैं, कुछ में हमने खसखस लपेटा है और कुछ में हमने एक साथ ही खसखस मिला के लड्डू बना दिए हैं। ये जैसा आपको पसंद हो आप वैसे लड्डू बनाएं। ये देख रहे हैं कितने सुंदर स्वादिष्ट सेहत से भरपूर डेट्स नट्स लड्डू। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं और भी रेसिपी आपको जल्दी ही सिखाऊंगी। बाय।